अगर इन चोरों की, इन डाकुओं के नीचे अगर जिंदगी गुजारनी पड़े ना, इनकी गुलामी करनी पड़े, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ इसे बेहतर है कि मुझे ऊपर ले जाए। मैं गुलाम मुल्क में पैदा जरूर हूँ। Hey guys, welcome back to our channel. तो हम आगे वापस बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है बेसिकली इमरान खान टिकटॉक कंपाइलेशन। और यार जो पाकिस्तानी लोग हैं उनमें मतलब कि बहुत जज्बा भर रखा है फिलहाल तो, कि मतलब वो बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को, और वो बस यही कोशिश कर रहे हैं कि वो बाहर आ जाए। बाकी देखते हैं कि इस वाली वीडियो में क्या होने वाला है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुप्रिया आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। 14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, आपको पाकिस्तान मुबारक। मेरे पाकिस्तानी हूँ, आपको किसी सूरत घरों में डर के बैठना नहीं चाहिए। जितना मैं कर सकता था मैंने किया, मैंने किसी पहचान नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि मेरी नौजवानों को, सबको बताओ कि हम हैं क्या, ये क्यों मुल्क बना था। जिस कौम के बनने के बाद नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या। देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है, सुनो आपने, सबने सुनाओ, देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। मेरा ये ईमान है कि मौत बेहतर है गुलामी से, इससे बेहतर है मर जाओ गुलामी। कोई इकबाल का एक शेर है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजा, बुज़दिली की सजा ही मौत। यू डू नॉट लेट द फेयर ऑफ डेथ कम इन द वे ऑफ व्हाट यू बिलीव इज योर मिशन। मौत बिस्तर पे भी आ जाया करती है, लेकिन जो मैदानों में डट के रहते हैं उनको तारीख जरा जिंदा रखा करती है। सही बात है। अगर इन चोरों की, इन डाकुओं के नीचे अगर जिंदगी गुजारनी पड़े ना, इनकी गुलामी करनी पड़े, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ इसे बेहतर है कि मुझे ऊपर ले जाए। मैं गुलाम मुल्क में पैदा जरूर हूँ, लेकिन मेरे दिल ने गुलामी न कभी कबूल की है और न कभी करेगा। जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं तो आपको किसी से डर है। गुलाम सिर्फ हम अपने अल्लाह के, और उसके बाद उसके हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम। बाकी हम किसी को, हम किसी के सामने नहीं झुकते, क्योंकि हमने अल्लाह से वादा किया। कामयाब वो होता है जो बड़ी सोच, बड़ी ख्वाब रखता है और उसके बाद हार नहीं मानता। सही बात है। अपने से वादा करे कि या मैं कामयाब होकर या मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैंने हार नहीं माननी। ये जिंदगी में जब आप करेंगे, कोई किसी को शिकस्त नहीं दे सकता। जब वो ये फैसला कर लेता है कि या कामयाब होऊंगा या मैं मर जाऊंगा, जेलों में डालो, जेलों से निकल के फिर सड़कों पे आएंगे। हार नहीं मानता, उनको कोई हरा नहीं सकता। इमरान खान ने टक्कर बड़ी खूब दी, यानी वो अकेला निजाम से लड़ा, माफिया से लड़ा, मीडिया से लड़ा, बदतरीन प्रोपेगेंडा का उसने मुकाबला किया। अपनी जान से ज्यादा मुझे पाकिस्तान की आजादी की फिक्र है। मेरा ईमान है कि जब तक अल्लाह फैसला नहीं करता, इंसान दुनिया से नहीं जाता। क्योंकि मेरा अल्लाह बेईमान है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह के सवाल कोई खुदा नहीं है। मैं मानता हूँ कि जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। मैं मानता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई मुझे जलील नहीं कर सकता। हमारा जीना मरना इसके मुल्क में है, और अब मैं आखिरी दम तक अपने मुल्क के लिए लड़ूंगा। मैं इन सब का मुकाबला करूंगा। Has anyone thought that what happens when there is a bloodbath and we will fight? It will have consequences far beyond the world. It will have consequences for the world, because I'm warning you, it's not a threat.
It's a fair worry. But where are we headed? कभी आशिकर कभी परशुपर कभी उनके दर कभी दर बदर हमें आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया कभी रास्तों में तन्हा कभी हूँ वरूद सहरा मैं जुनून का हम सफर हूँ मेरा कोई घर नहीं कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार मुश्किलों से आजमाऊंगा क्यों वो अल्लाह हमें मुश्किलें देता है हमारी बेहतरी के लिए मैं आज तक सफर में हूँ इस दिमाग पर उठेंगी मंजिले मेरे पतों की जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में इज्जत इज्जत अल्लाह के हाथ में रिस्क अल्लाह के हाथ में सही तो फिर डर किस चीज का सब सुभान लीडर कहां मिलता है अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे तोहफा दिया हजरत उमर मदीना की रियासत के अंदर हजरत उमर जैसे एक अजीम लीडर को आम आदमी खड़ा होकर पूछता है कि किधर से आपने ये पैसा यार जो अपने कपड़े पहने हुए लीडर जवाब देता हजरत उमर ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी मिजाल है मेरे से पूछो हजरत उमर ने जवाब दिया लीडर जवाब देता मैं पाकिस्तान का शहरी पाकिस्तान का मालिक हूँ ये जमीन ये लोग मेरे हैं इसके हुक्मरान मेरे मुकर्रर करदा और मुझे जवाब दे मैं अहद करता हूँ कि मैं हर उस शख्स या इदारा वा अंदरूनी या बैरूनी जो इस मुल्क के खिलाफ काम करेगा या इसके कानून को तोड़ेगा उसके खिलाफ बिला बिरादरी जबान और मजहब की तमीज के अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैं पाकिस्तान का शहरी इसका मालिक इसकी बका का हतमी जामिन हूँ पाकिस्तान पाइंदाबाद तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह शानदार एडिटिंग थी भाई क्या शानदार एडिटिंग करी हुई थी और ये अगर नव्या बोल सकती है तो सही में अच्छी है क्योंकि नव्या भी क्लास ले रही है एडिटिंग की तो मतलब बहुत ही कमाल की कमाल की सच में कमाल की वीडियो थी बहुत ही ज्यादा अच्छी बना रखी थी क्या लाइंस बोली इमरान खान ने मतलब हम लोग नहीं झुकेंगे हम लोगों हम अपने देश के लिए पूरा एकदम डिवोटी रहेंगे और मतलब बहुत ही अच्छी थी मतलब बहुत अच्छी अच्छी लाइन्स थी मतलब इमरान खान की जितनी अच्छी लाइन जितने अच्छे अच्छे उन्होंने डायलॉग्स जो अपने यूज किए हैं हर जगह वो थे इसके और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरे को सबसे अच्छी लगी कि वो लोगों के साथ खड़े हैं उनकी लास्ट दम तक उनको कोई जरूरत नहीं है लोगों के साथ खड़े रहने की फिर भी वो ऐसे कि मुझे आजादी दिलानी है पाकिस्तान दिलानी है कि जितने लोगों ने कुर्बानी दी है ना उन सब की कुर्बानी की वैल्यू करी जाएगी और उनको जो अचीव करना था वो सब उनकी फैमिली को अचीवमेंट्स मिलेंगी
उन्होंने फोटोज भी मतलब दिखाई है बहुत लोगों की उसके अंदर, तो हमें मतलब और मेरे को ऐसे लगता है कि अगर इमरान खान मतलब इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे तो पाकिस्तानियों को भी अपने लिए उठना चाहिए, उठना चाहिए। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बाय।